राजस्थान से मथुरा भगवान दर्शन करने आए 14 श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें हालत बिगड़ने पर वृंदावन के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 100 से अधिक श्रद्धालु राजस्थान के चूरू और सीकर से ब्रजमंडल में धार्मिक यात्रा के लिए आए थे, जो कि बिरला मंदिर स्थित धर्मशाला में रुके थे। मंगलवार की बीती रात खाना बनाने के बाद श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में वृंदावन के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। CMS डॉक्टर विनीत यादव ने बताया कि देर रात खाने में पनीर की सब्जी खाने के बाद श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मरीजों में से 13 महिलाएं और एक पुरुष है, जिनमें कुछ लोगों को सुधार होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। मथुरा से KIA न्यूज के लिए प्रेम कौशिक की रिपोर्ट। आया था। क्या नाम है मैम आपका? रत्नी देवी। कहाँ से आए आप लोग? रामचूर से आया। अच्छा, अब ये फूड पॉइजनिंग की जो घटना हुई है, कैसे हुई थी? सब्जी रोटी खाई थी धर्मशाला के पास से। कौन सी धर्मशाला? धर्मशाला बिरला। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेटरिन उल्टी अपने आप हो गया, अभी बेहोश हो गया। कितने लोग बेहोश हुए? 20-25 लोग है। 20-25? लेकिन 10 लोगों की ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, ज़्यादा। बाकी डिस्चार्ज हो गए। हाँ, हाँ। तो कहाँ से आई थी आप? कहाँ से आए हो आप लोग? शुरू से आए। वृंदावन कब आए थे? हाँ, वृंदावन कब आए थे? माना 8 दिन आए। 8 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। अच्छा, तो ये कब की बात है जब आपने सब्जी रोटी खाई, फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है? कल की कल दोपहर तो खीर लिया, दूध लिया था, खीर बनाई थी, जलेबी लिया था और मटर पनीर की सब्जी खाई थी। फिर उसके बाद ही हो गया जैसे? हाँ, और शाम के सुबह कड्डी बनाई और रोटी बनाई थी। लोगों की तबीयत कब खराब हुई थी? रात में हुई थी। रात में? हाँ, अस्पताल कब लाए थे आप लोग? अस्पताल दुनिया 6 बजे लाए। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे। अब कितने लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं अब तक? कितने लोग गए और कितने लोग रह गए अभी? अब मेरे को पता नहीं, ऊपर वाला है, इन 5 था, 5 तो अब बिरला मंदिर। अच्छा, बाकी लोग यहाँ पे हैं, 10 लोग हैं यहाँ पर ही। हमारे यहाँ सुबह 6 बजे करीब 14 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार आए हैं, जो बिरला मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके हुए थे, और ये लोग सीकर राजस्थान के मूल निवासी हैं। तो कैसे पता लगा इन लोगों के, और कितने लोग, कितने महिला और कितने पुरुष थे? इसमें 14 में 13 महिलाएं थीं और एक पुरुष हैं। सारे इन्हीं लोगों ने बताया कि हमने रात को सब्जी में पनीर खाया था, तब से उनके पेट दर्द और लूज मोशन और वोमिटिंग की शिकायत से आए थे। अभी अस्पताल में करीब कितने लोग एडमिट हैं? अभी हमारे पास 3 पेशेंट बचे हुए हैं और बाकी ठीक हो गए हैं, और उन्हें अपनी मर्जी से, चूंकि उनकी बस थी तो अपनी मर्जी से चले गए हैं, और उन्हें रास्ते के लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए उन्हें दवा, मेडिसिन किट, ORS वगैरह दे दिए गए। जैसे डॉक्टर साहब, गर्मी के सीजन में देखा जाता है कि अधिकतर फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार होते हैं, तो क्या कारण रहता है इनका? ये मेनली इसका कारण जो सब्जियां ठीक तरीके से खाएं, पुरानी, एक दिन पुरानी रखी हुई सब्जी यूज ना करें, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।